Hi, this is Muse Amuse. I am Lavanya and today we are discussing dairy products. This is a ceramic bowl with handles on either side and it is sufficient for eating noodles or kadi chawal. तो ये बोल जो है वो खाने के डिसेंट पोर्शंस के लिए एकदम सही है, जैसे नूडल्स, चिप्स या नाचोस, और कुछ लोग इसमें पॉटपोरी रख के सजाने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये एक सेरेमिक बोल है, पर ये भी सेरेमिक का है और ये भी सेरेमिक का है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो सेरेमिक्स एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल, जो है अर्दनवेयर, स्टोनवेयर और पोर्सलिन। तो इसकी क्ले के बेसिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आते हैं। जैसे अर्दनवेयर पोरस होता है और स्टोनवेयर और पोर्सलिन पोरस नहीं होते हैं, और फर्दर फायरिंग टेम्परेचर, ड्यूरेबिलिटी, इन सब चीज़ों में डिफरेंस आता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉटरी एक हैंड स्किल है जिससे हम सेरेमिक का सामान बनाते हैं। तो सेरेमिक एक मटीरियल की अम्ब्रेला टर्म है। तो ये बनता कैसे है? सबसे पहले हम इसकी क्ले को प्रिपेयर करते हैं और एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी में ले आते हैं डाइल्यूट करके, जिससे कि ये अराउंड डोसा बैटर जैसा दिखने लगता है। फिर हम उस स्लिप को मोल्ड में कास्ट करते हैं और इसको ड्राई होने देते हैं। फिर इसके जो भी अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें नॉब है, उसको हम इसमें स्लिप से ही अटैच कर देते हैं। देन इसको फायरिंग के लिए देते हैं। फिर आपके पास एक बेसिक रिजिड स्ट्रक्चर आ गया आपके बोल का। तो आपके पास बोल का एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। फिर इसको ग्लेज करते हैं इसकी पोरोसिटी खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले जो बेसिक वाइट लेयर है उसका ग्लेज, देन इंडियन लोकल क्राफ्ट्समैन इसके ऊपर हैंड पेंट करते हैं, देन इसको फायरिंग के लिए दे देते हैं अगेन। फिर इस पर फाइनल सिलिकॉन की ग्लेज लेयर आती है एंड ये आपका नॉन पोरस बोल रेडी है। तो ये बोल अराउंड 450 ml सामान हैंडल कर लेता है, और इसके जो ये नॉब्स हैं इससे हम इसको बैलेंस करने के लिए और गर्म सामान पकड़ने के लिए यूज करते हैं। पर ये बोल एक अनस्पोकन इंस्ट्रक्शन के साथ आता है कि हम इसको बेसिन में नहीं रख सकते। तो फायदा क्या हुआ है इसका? क्योंकि बोल के तो मेजर दो ही काम होते हैं, या तो उससे खाओ या तो उसको साफ करो। तो यूजर जर्नी में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस आ जाता है इससे। तो आप देख ही रहे हो कि इसकी रिम जो है वो एकदम सर्कुलर है। तो जब हम इस बोल से किसी और कंटेनर में कुछ भी ट्रांसफर करते हैं तो स्पिलेज होती है। प्लस इसका जो वेट है वो एज कम्पेयर टू अ प्लास्टिक कंटेनर काफी ज्यादा है। तो आप इसको एक हाथ से हैंडल नहीं कर सकते हो, और ऐसे खड़े होके या फिर चलते चलते इससे कुछ खा नहीं सकते हो। तो हम इसको रीडिजाइन कैसे करेंगे? तो ये इसका बेसिक फॉर्म है। अब अगर हम इसमें कुछ चेंजेस लाने हो, जो हमारे पोटेंशियल चैलेंजेस में हमने डिस्कस किए, तो सबसे पहले हम इसके नॉब्स को तो हटा ही देंगे, पर हमें कुछ चाहिए इस बोल को हैंडल करने के लिए। तो मे बी हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो रिम है उसको हम थोड़ा सा और सर्कुलर और प्रोट्रूडेड बना देंगे। तो उससे क्या होएगा कि आप जैसे मटके में ऊपर होता है उसी तरीके से आप इसको होल्ड कर पाओगे अच्छे से। तो एक तो हमारा ये टॉप का हो गया फॉर होल्डिंग। फिर पोर करने के लिए कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं? तो इसमें हम एक स्लाइट माउथ दे सकते हैं दोनों साइड पे, जिससे कि हमें पोरिंग में आसानी हो। तो ये बोल की जो वॉल है वो थोड़ी थिक है इसको इंसुलेट करने के लिए, पर उससे इसका वेट बढ़ जाता है। तो यही सब सोचते हुए लोगों ने प्लास्टिक की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन दी, क्योंकि प्लास्टिक ड्यूरेबल है, चीप है, लाइट वेट है और मैन्युफैक्चरिंग करने में भी आसानी होती है। बट फिर हमें समझ में आया कि प्लास्टिक के एनवायरनमेंट पे कैसे कैसे इफेक्ट हैं। तो हम वापस से अब धीरे धीरे स्टोनवेयर और अर्दनवेयर की तरफ जा रहे हैं। बट स्टोनवेयर में क्या होता है कि इसकी एंड लेयर जो है वो भी सिलिका की होती है, तो वो भी अगेन डिग्रेडेशन में प्रॉब्लम करती है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव आया हमारा स्टील, गैल्वनाइज स्टील के कंटेनर्स और यूटेंसिल्स, पर वो भी हीट कंडक्टिव होते हैं। तो मे बी कंटेनर वर्ल्ड में हमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना है रिगार्डिंग द मटीरियल एंड यूजेज। तो अगर हम पूरा सब कुछ मिला के देखें तो ये ठीक ठाक कंटेनर है, क्योंकि इसमें हम डिसेंट पोर्शन ऑफ खाना जो है वो खा सकते हैं, और ऑब्वियसली क्राफ्ट्समैन ने बनाए तो ये काफ़ी सुंदर भी है। तो अगर आप कभी भी कुछ ले रहे हो तो ये चार चीज़ें आप अपने दिमाग में रख सकते हो अपने हिसाब से: मटीरियल, उसका फॉर्म कैसा है, हाइजीन और सेफ्टी।
अभी तुझे पता है ये सिर्फ घर में ही यूज नहीं होता है, ऐसे बोल्स और प्लेट्स बनाने के लिए, गाड़ी में यूज होता है। हाँ, और एरोप्लेन में भी यूज होता है, कई जगह पे कोटिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है ये। मे बी इस वजह से, क्योंकि फिर एयर रेजिस्टेंस से कुछ लेना देना है इसका।